श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रंगाचल गोस्वामी प्रभु की जय। जय पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्री राधा और से व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंदों की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे गुरुवे गौर चंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भक्ति मूला सुकृति है ते श्रद्धा उदय श्रद्धा हैले साधु संगना यासे है साधु संग फले है भजनेर शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा भजिते भजिते हे अनर्थे रक्षाए अनर्थ करवित हैले निष्ठा उदय। निष्ठा नामे जत है अनर्थ विनाश नामे ततो रुचि क्रमे है वे प्रकाश। रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए ततो ही आसक्ति नामे भक्त जन पाए। नामासक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है तबे भावोदय हाय यही तो निश्चय। इति मध्ये अत्सत्संगे प्रतिष्ठा जनमिया कुटीनाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया अति सावधानी भाई। अत्सत्संग त्यजो निरंतर परानंद हरिनाम भजो उसके लिए हमने कल तक श्रवण किया था। नामासक्ति पहले रुचि होती है रुचि से आसक्ति होती है। नाम में रुचि होना श्रवण किया था कल को। जब रुचि होती है तब उससे अनर्थ कुछ और नष्ट होते हैं। फिर उस आसक्ति युक्त नाम को जब क्रम से करते रहे व्यक्ति आसक्ति युक्त नाम करने से कहते हैं भाव का उदय होता है। नामासक्ति क्रमे सर्वा अनर्थ दूर है तभी भावोदय है यही तो निश्चय। ये पक्का है। आसक्ति के क्रम में अब ये क्रम आसक्ति से या आसक्ति तक सर्व अनर्थ दूर है। जब सब अनर्थ दूर हो जाएंगे नामासक्ति की अवस्था में तो भाव का उदय होगा। भाव आसक्ति रुचि प्रथम श्लोक में श्रद्धा द्वितीय श्लोक में भजन क्रिया
तृतीय श्लोक में अनर्थ निर्ति निवृत्ति और चौथे में जाकर के अनर्थ विनाश निष्ठा प्राप्ति, पंचमे में रुचि और छठे में आसक्ति और सातवें में भावोदय और अंत में प्रेम। इस प्रकार से आठ श्लोकों को भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग की चतुर्थी लहरी में जो कहा है आठ सिद्धियों को, उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इस प्रकार से सिद्ध किया अर्थात स्थापित किया कि व्यक्ति भावोदय तक ठाकुर जी के नाम में रुचि होना, ठाकुर जी का कभी कोई भाव उदय हो जाना, भगवान की कोई लीला का भाव उदय हो जाना, यहाँ बोलते हैं नामासक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर होए तवे भावोदय है, यही तो निश्चय, आसक्ति होने के बाद ही भाव का उदय होता है। फिर इति मध्य सत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, लास्ट में जाकर के जब कहीं भावों की लहरी भावों का चमत्कार जीव के सन्मुख आता है तो लोगों के द्वारा वो प्रतिष्ठा जब कानों में जाकर के जहर घोलती है तो वो जाकर के असत्संग हो जाता है, अर्थात संसारिक प्रतिष्ठा जिसको किस महापुरुषों ने तो शुकरी विष्ठा कहा है, जड़े रे प्रतिष्ठा शुकरी रे विष्ठा, वो हृदय में कहीं जा करके उत्पात कर देती, मतलब इस अवस्था में भी जाके उत्पात कर सकती। कई बार देखने को मिलता है, आता है कि कई कई महापुरुष लोग, महापुरुष में कह रहा हूँ इसका मतलब सिद्ध महापुरुष मत समझिए, महापुरुष का मतलब जो हम लोगों से बहुत पहले बहुत आगे बहुत कुछ साधन भजन किए हुए हैं वो सब महापुरुष हैं, आम मनुष्यों से बहुत ऊपर है, उन पापी दुराचारी जो भगवान के मार्ग में ही नहीं आए उनसे श्रेष्ठ जो भगवान के मार्ग में आ गए हैं वो साधारण बिल्कुल साधारण साधक भी महान पुरुष हैं। लेकिन इन साधारण साधकों में से जो साधना में एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पे उनको अपने गुरुदेव की स्मृति में भगवान की स्मृति में रोमांच भी होता है, अश्रुपुलक भी होता है, लीला स्मरण भी होता है, ऐसी स्थिति में आकर के कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी है ये असत्संग, असत्संग का मतलब उस अवस्था में वो असत्संग क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, ये सब बातें छोड़ दो, असत्संग तो कहीं भी हो सकता है, सत्संग भी सब जगह मिल सकता है। व्यक्ति कई बार भोलेपन में जा अज्ञानता के कारण जा जानबूझ करके तीनों अवस्थाओं में वो कभी भी प्रतिष्ठा जब मिलती है तो वो दिक्कत दे देती है, इसीलिए कई बार हम लोग सुर ताल लय मान विशेष रूप से गाने लग जाएं कि जिससे कि लोग कहें वाह क्या गा रहा है, ओहो हिला के रख दिया, तो समझना ये जो प्रतिष्ठा धृष्टा स्वपच रमणी मी हृदय नटेत, ये जो चंडालिनी है
ये हृदय में नाच रही है, इस चीज़ को उसी वक्त समझ करके श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए कि गुरुदेव निकालो, मैं चाहता हूँ आपके श्री चरणों का दर्शन करना, मैं चाहता हूँ श्री राधा रानी और गोविंद जी के श्री चरणों का दर्शन करना, ये चंडालिनी से निकालो। देखिए कहीं कहीं से बाघनी कहा है, बाघनी बाघ जिसको हम लोग चलित भाषा में शेर कहते हैं, टाइगर जिसको वैसे बोलते हैं, कहते हैं वो जिससे खार खा जाए ना बाघनी वो छोड़ती नहीं है, फिर उससे पता लग जाए कि इसने मेरे बच्चों को चुराया या कुछ किया तो वो खार खा जाए छोड़ती नहीं। तो इस प्रकार से ये प्रतिष्ठा बाघिनी की तरह पीछा नहीं छोड़ती, चंडालिनी की तरह 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 के रूप रंग और तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग करके हमको नाम प्रभु के संग से हटा करके विषय संग का दर्शन करा देती है। इसलिए जीव को कभी भी साधक जो सावधान नहीं है उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो साधक सावधान रहना चाहिए। साधु सावधान, इसीलिए कहा साधु सावधान है। साधु को क्या जरूरत है सावधान होने की, सावधान तो विषय ही हो नहीं है, साधु के लिए ही सावधानी है, क्योंकि ये ना जाने किस अवस्था में जाकर के और फिर कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाई। कुटी नाटी क्या होता है, कुटी नाटी होता है प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या प्रतिष्ठा की आशा को लेकर के जीव इसकी उसकी इधर की उधर की बातचीत करने लग जाता है। जीव तो क्या करेगा, लेकिन जीव उनके साथ सम्मिलित होता है तो दुख पाता है और बस। कहते अति सावधान है भाई असत्संग त्यजो, इसलिए अति सावधान है असत्संग त्यज कीजिए, निरंतर परानंदे हरि नाम भजो। इसीलिए कहा है कात्यायनी संहिता में, वरम हुतज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख जनवन विमुख जना संवास वैशसम, चाहे आग में जल के मर जाऊं, चाहे पिंजरे में सदा के लिए कैद हो जाऊं, पड़ा रहूं, लेकिन हे कृष्ण हे प्रभु मैं कदापि आपके विमुख जो लोग हैं, आपके विमुख चिंता करने वाले भक्त लोगों का संग कभी भी ना कहूँ करूँ, कभी भी ना हो मुझे, ऐसा निवेदन करते हैं। अंग आलिंगनम वरे मन्ने व्याल व्याघ्र जलोक साम न संग शल्य युक्ता नाम नाना दवैव नाना देव नाना देवैक सेविनाम। कहते हैं अग्नि ते पुरी व पंजरे ते बद्ध होय हई तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नाई ले, वरम सर्प व्याघ्र कुंभीरे रालिंगन, भले ही मेरे को सांप का बाघ का कुंभीर मगरमच्छ के साथ रहना पड़े, भले ही उन्हें आलिंगन करना पड़े, एक तरफ जो है असत्संग है विशेष रूप से अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले तंत्र मंत्र सिद्ध जो कि दिखा दें आपको कि देखो ये लो ये देखो दिखला करके आपको बहिर्मुख कर दें, कहते अन्य सेवी संग नाहीं करी कदाचन,
तम निर्व्यजं भज गुण निधि पावनं पावनानां श्रद्धारज्जन्मतिरतीतरं उत्तम श्लोकमौलिं प्रद्यन् अंतकरण कुहरे अंतयन्नाम भानोर अभासु अपि खपयति महापातक धन्तराशिं परम पावन कृष्ण तहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सूर्य भा संतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीलाक्रम इहाते भजन क्रमे लीला रजगम प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछुदिन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण चार श्लोके क्रमश भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह भरो ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तवे जानो सिद्ध देह अधिकार हईला अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख नयास मिले शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल यनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत अस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्रे मज्जन।